समाजवादी पार्टी भैया टूटन की कगार पर है, अब ये पार्टी बच नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने कसम खाया है कि जब तक अपने बाप की पार्टी को मिटा नहीं देंगे तब तक हम सुख से नहीं रहेंगे। अरे आजम खान का 3 साल से जेल में बंद कराए हैं, आजम खान नाराज ना हुई है, उनके लिए कौनो लड़ाई लड़े हैं? अरे वो चलो गलत कह रहे हैं लेकिन तुम्हारी पार्टियों के साथ है तो ठीक है कह रहे हैं, तुम तो कम से कम उनके साथ है, उनके मुड़े हाथ धरन रह तो तुम हो कि नाराज लिया और ताने में बाबा से कहा तो बंद कह रहा हो इनका, बंद कह रहा। अरे इतनी बड़ी पार्टी है, आंदोलन करती, जेल में मिल जाती, धरना प्रदर्शन देती, हर कायब ताई जीवन तो रोवत रहे आजम खान जैसे मेरे मतलब जो सच्चे वो थे पार्टी से थे उनको भी भाजपा सरकार ने। अगर वो रोवत होती आजम खान चुनाव में बाहर निकली होती, लेकिन वो कहते हैं बाबा इनका छोड़े ना, बहुत कुछ हमारे साथ किए हैं, केवल उनसे दुश्मनियां निकाल रहे हैं। और दुश्मनी बहुत पुराना है भाई, वो देखो मुलायम सिंह के साथ के नेता है, मुलायम सिंह के साथ के नेता का अखिलेश यादव कतई पसंद नहीं करते हैं, वो चाहे जो हो चाहे आजम खान हो और चाहे शिवपाल यादव हो, इनके बस नहीं चलत नहीं शिवपालों का बंद करा। मुलायम सिंह जी ने भी शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश तो की होगी? नहीं की है, हुई है। साथ खास शख्सियत आप हमेशा टीवी में देखते होंगे, अपनी अलग ही भाषा से अपनी अलग ही तरीके से बोलने में मशहूर भीम सिंह जी हैं। सीधा सवाल भीम सिंह जी आपसे ये है कि क्या हो गया आखिर समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी भैया टूटन की कगार पर है, अब ये पार्टी बच नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने कसम खाया है कि जब तक अपने बाप की पार्टी को मिटा नहीं देंगे तब तक हम सुख से नहीं रहेंगे। चाचा को भी मात दे दी इस बार, चाचा कहाँ शामिल किए थे फिर? नहीं, चाचा जी ने देखे समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे इनके चाचा, इनके चाचा और बाप दोनों ने पार्टी को बनाई थी। पहले बाप का हाथ पकड़ के मंच से अपमानित करके इन्हीं अखिलेश यादव ने पिताजी को उतार दिया, उसके बाद चाचा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी तरह चुनाव आया तो सोचे चाचा का लव मिला ले और चाचा का बुला के भैया मतलब इलेक्शन के लिए मिला, उसके बाद जैसे ही जीत हार चाचा का जाल फंस के रहेगा भतीजे। हाँ, चाचा समझ नहीं पाए कि भतीजा बहुत होशियार है, चाचा समझ लिए कि चलो भाई भतीजा है, देखो उनके दिल बाप का औरी तिरा हो थे, बाप हो चाचा हो काका हो, वो सोचत है भतीजा है हमारा नेक है बेकार है, लेकिन अब लड़त है लड़ाई तो यू कलंक ना लागे कि हमारी वजह से लंका जर गए, तो कहें चलो बेटा तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही जीत हार भव तैसे चाचा का फिर किनारे लगा दिन। और चाचा आप तो सुना कि भाजपा पालम जा रहे हैं? नहीं, भाजपा के नीत और रीत से प्रभावित हुई हैं, योगी आदित्यनाथ के जो न्यायवादी व्यवस्था है उसे प्रभावित हुई हैं, विकासवादी व्यवस्था है उसे प्रभावित हुई हैं। अब भाजपा केहू के साथ है अन्याय नहीं करत है, का अखिलेशों के साथ है अन्याय नहीं की, केहू के साथ अन्याय नहीं करत न्याय करत है, इसलिए प्रभावित हुई। चाचा सोचते रहे कि हम की विधायक दल के नेता बन जाए, वह नहीं बन पाए, उन्हें बुलावा भी नहीं कर रहा चाचा। नहीं, हक उन्हीं का रहा भाई, तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम हो, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन तुम हो, टिकट तुम बांटत हो, एक छोटा से पद अगर काका मांगते रहे हैं वो कहे तो दे दिए हो, तो का मतलब रहा उसे भाई? आखिर तुम्हारे पार्टी के तो आए और मुलायम दिन का है नहीं ना फिर? अरे वो नहीं दिन के कहूँ चाचा हथियार न लिए समुल्ला न ले लिए, वो केहू का कुछ देवा नहीं चाहते हैं, केवल लेवा चाहते हैं, लोगन से फायदा उठाए ले, बाकी केहू से अब तो वो ओपी राजभरों से भेंट नहीं करते हैं, अब सुनी थे स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगर बात कर लिए तो उन्होंने हाल ही में उम्मीद जगी थी कि करहल से शायद अगर अखिलेश यादव जी इस्तीफा कर दे चुनाव लड़ ले भाई, लेकिन अब तो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा वाले में तो नेता बन गए। नहीं, अखिलेश यादव उनका जान गए, अब उनका टिकट न दे हैं मेंबर ही का, संसदीय के तो छोड़ दियो, विधायकी के छोड़ दियो, उनका मेंबर ही के टिकट न दे हैं, वो उनसे मुलाकात न करी है। अगर मुलाकात उनसे कर लिए तो जैसे मने असगुन नहीं होत है, वह असगुन उनके साथ है भवा है। गठबंधन टूटे कगार पर है महागठबंधन? नहीं, गठबंधन तो टूट गवा, गठबंधन पहले टूट गवा, पार्टी टूटे की कगार पर है, आजम खान अलग नाराज है। आजम खान का है नाराज हो गया, उनका बयान आ रहा है उनके मीडिया प्रभारी का। अरे आजम खान का 3 साल से जेल में बंद कराए हैं, आजम खान नाराज ना हुई है, उनके लिए कौनो लड़ाई लड़े हैं? अरे वो चलो गलत कह रहे हैं लेकिन तुम्हारी पार्टियों के साथ है तो ठीक है कह रहे हैं, तुम तो कम से कम उनके साथ है, उनके मुड़े हाथ धरन रह तो तुम हो कि नाराज लिया और ताने में बाबा से कहा तो बंद कह रहा हो इनका, बंद कह रहा हो अखिलेश का हाथ का और को कहा है? अरे इतनी बड़ी पार्टी है, आंदोलन करती, जेल में मिल जाती, धरना प्रदर्शन देती, हर कायब ताई जीवन तो रोवत रहेगा आजम खान जैसे मेरे मतलब जो सच्चे वो थे पार्टी से थे उनको भी भाजपा सरकार ने। अगर वो रोवत होती आजम खान चुनाव में बाहर निकली होती, लेकिन वो कहते हैं बाबा इनका छोड़े ना, बहुत कुछ हमारे साथ किए हैं, केवल उनसे दुश्मनियां निकाल रहे हैं। और दुश्मनी बहुत पुराना है भाई, वो देखो मुलायम सिंह के साथ के नेता है, मुलायम सिंह के साथ के नेता का अखिलेश यादव कतई पसंद नहीं करते हैं, वो चाहे जो हो चाहे आजम खान
सिन्हा हो और चाहे शिवपाल यादव हो, इनके बस नहीं चलत नहीं शिवपालों का बंद करा। मुलायम सिंह जी ने भी शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश तो की होगी? नहीं की है, वही है देखो बूढ़ बाप है, अब टीपू सुल्तान उनके कहा वहा मानत नहीं है। वो बेचारे परेशान है कि परिवार एक रहे, जे अपनी माता का कैकेयी कह सकत है, जे अपनी मौसी का मंथरा कह सकत है, तो काका और दादा और पिताजी के कहा माने वाने ना। का करी है ये नेवला भाई? नेवरा भाई अब कुछ ना करी है, अभी जो ना इधर उधर हारमोनिया बजावे और इनके कोनो काम बचा नहीं है। राज भर तो पटकत रहे नेतान का कि सरकार बने दियो, राज भर बेचारे हेरे नहीं मिलत है। राज भर का हुआ के जनता ही उनका ढूंढते कि कहाँ चले गए, तुम मार पलटे बहाए देते रहे हो, कहते रहे यहाँ से दिल्ली तक हम जी का चाहे वो आज सरकार बनाई। कहाँ छुप गए राज भर? केहू के पता नहीं है, ना उनके स्वामी प्रसाद के पता लाग है, ना राज भर के, ना अखिलेश यादव उनसे भेंट करे, केहू मुलाकात नहीं करत है। लेकिन अखिलेश यादव ने बता दिया कि मतलब आखिरी में चुनाव जीतने हार जीतने के बाद मतलब कोई मिल नहीं रहे हम कला नहीं मिल नहीं रहे, आखिरी चुनाव है आए सब का, उके बाद इन लोगों का काम खत्म है भैया, खत्म। अब हाँ वैसे चच्चा हैदराबाद में गोड़ पटकत है जो उठे बेचारे, कहो कहा आजम खान तुम आए जाओ, कहो कहा ओपी राज भर तुम हमारे साथ चले आओ, अब जी के समय खराब हो तो गठबंधन करे उनसे। अच्छा हाँ बचे हैं? हाँ वैसिन बचे हैं। अनाप शनाप बहुत बका कर तो वैसे का बात कहेगी जो? अरे अब उनका को बतावे मिया फकीर के मामला वो चाहे शहीद बलते को उनका इज्जत ही करत है यूपी में और बिहार में और इधर। चुनाव हराओगे की पूरी तैयारी करने भाजपा को वैसे कहते रहे? नहीं हरावे कोशिश की ना, वो वैसे जैसे बहुत जने आए और चले गए, अब वो मुगल ना आए पहले वाले जो ना आए के हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले हैं, कई सब आए मुगल के वंशज, अब इनके आए और गए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूपी के चुनाव पर। क्या लगता है गद्दारी हुई शिवपाल के साथ? नहीं शिवपाल के साथ, शिवपाल यादव खुद जानते रहे कि हमारे साथ गद्दारी हुआ था, कैसे कुएं कूद गए। लेकिन वो बेचारे का करें देखो, एक राज धर्म होता है, एक परिवार धर्म होता है, परिवार धर्म अपने बड़े भाई के मुलायम सिंह के लोक लाज में बेचारे समाजवादी में बने हैं। लेकिन अखिलेश यादव कोई ऐसा मौका नहीं चूकत है जौने जौने से वो मिट जाए, ये अगर उनसे और थोड़े दिन मिले रहें तो नेशनल बूथ कैदे हैं मेम्बरी जीते की हैसियत में उनका न रखे हैं। एक बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का, बयान बता दें, वो हमेशा कहते थे जिस पार्टी में हम जाते वही पार्टी जीतती है, मायावती जी के पार्टी से निकाले उनको ये हासिल होगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया उनके रहे। अरे बहुत उल्टा पड़ गया, अपना तो अपना डूबे और बिटियों का लाए के डूबो दिन बेचारी का। अरे भाजपा से वह सांसद रही फिर टिकट पौते फिर जीतते, टिकट न मिली का? अरे अब का टिकट मिले, अब जब वह भाजपा कहीं वोट मांगत रही इनके साथ तो जौन कहावत है कि मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, मने बिटिया अब बताओ बिटिया का बरकरार रखे हो तो। लेकिन बिटिया ने कहा कि हमने कभी पिता के लिए वोट नहीं मांगी। अरे अभी तो कहे वाली बात आई मीडिया के सामने, कई दिन नहीं वोट मांगा, नहीं गली गली हुई वोट मांगी नहीं, लेकिन उनके वोट मांगे मिला नहीं है। कभी खुद ही कहीं रहा है कि हम नेवरा आए ना, वो सियार आए और वो फेटार आए, दुनिया के बहुकाल गांटे रहे जात रहे तो कहीं सांप का डस ले, सांप का। हाँ हाँ तो यश दर्शन की बिटिया के संसदी खत्म हो जाए, यश दर्शन के अपने परिवार खत्म की है, दिए तो मेम्बर ही ना जीते दे हैं वो। अच्छा क्या लगता है यूपी में अभी योगी ने जबसे मुख्यमंत्री कार्यकाल संभाला दूसरी बार, क्या लगता है जितनी तेजी से उन्होंने कहा था काम हो रहा है कि नहीं? नहीं नहीं देखो जब से दूसरी बार योगी बाबा आए हैं तो पूरे फुल एक्शन में हैं, तमाम काम हो रहा है, सड़कन के काम हो रहा है जो उन पेंडिंग में पड़ी रही, वह क्या कर रहे हैं? अरे भूमाफिया घुसे पड़े हैं, कहूँ पता नहीं है कि कहाँ खड़ंजा लगाई रहा है, कहाँ कब्जा की रहा है, बेचारे का जिंदगी बच जाए बहुत आए और कमाए ले भाई बाद में पैसा, भीख मांग कर भूमाफिया खा ले हैं, लेकिन कहा झगड़क जमीन न करे, बुलडोजर का खेल चल रहा है। हाँ बुलडोजर का खेल तो ये तिरा चलत है, संजय का सोवत है तो कहते हैं हालत है घर का, बुलटोजर तो नहीं आवत है आपके क्षेत्र में? चलक नहीं ना बहुत जगह चला है, कहूँ बाकी थोड़ा कोनो तहसील वही पर समय नरसो चला है हमारे यहाँ आबाद कब्जा, जेसीबी वाले भी गर्व हो रहा है। जेसीबी वाले मोच तिलोर के ऊपर ड्राइवर बैठा था, कहा 2000 तनख्वाह बढ़ाऊ हमारा काम बन गा, दुनिया में नाम उन्हों कहे भाई हमेशा क्यों ना क्यों। अच्छा चलिए लास्ट सवाल, क्या लगता है शिवपाल बहुत जल्द भाजपा में आने वाले हैं आपके साथ? नहीं शिवपाल भाजपा में आवे ना आवे हमारा मतलब यूँ नहीं है साहब, ना इतनी बड़ी राजनीति हम जानी, लेकिन हम यूँ जानी थे कि जय दिन वो अखिलेश यादव के साथ में रहेंगे तय दिन उनका नुकसान है, अब अखिलेश यादव अगर समाजवादी से निकल आएंगे तो समाजवादी उसी दिन खत्म हो जाएगी, फिर समाजवादी में अब क्यों बचा नहीं। अखिलेश तो निकलेंगे शिवपाल यादव? अखिलेश यादव नहीं शिवपाल यादव अगर निकल रहे हैं तो समाजवादी में कुछ नहीं बचा। अच्छा अगर स्वामी जी आवा चाहे तो?
भाजपा में नहीं नहीं स्वामी वामी जी के हो का काम नहीं है इनका तो दूर से डंडा लेके खेत दिए के भैया इधर देख न पड़े राजभर तो लगा संपर्क चले अंदर अंदर अभी अंदर अंदर बहुत पैकर्मा करत है यहाँ से दिल्ली तक दोनों जने बाप दोनों जने बिटिया सब लड़का अटैची ला दे पैकर्मा करत अगर कांग्रेस समाजवादी बसपा होते तो अब तक भाजपा में शामिल हो जाती लेकिन अभी माँ भाई बड़ी पार्टी है और तमाम नेकनामी और बदनामी देख के इनका लीन जात इनका सारे इनका तो दूर से खेत दिए थे फटके नहीं दिए थे। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीम सिंह जी जिनसे हमने खास बातचीत की बहुत मजेदार बात कही। इनका साफ तो कहना है कि जिस तरह से बाबा ने कहा था कि चुनाव के बाद भूमाफियों पर और जो अवैध कब्जेदार उन पर बुलडोजर चलेगा साफ तो कहना कि हमारे क्षेत्र भी बुलडोजर चल रहा पता था तीसरे दिन रोज देखित बुलडोजर। फिलहाल यूपी टीवी के लिए सी मोस्ती की रिपोर्ट।